नमस्कार, ये गुजरात का आयुर्वेदिक चिकित्सालय है जिसमें पंचकर्म बन का है। आइए देखते हैं हम गुजरात के ये जामनगर में प्रेजेंट और अवस्थित आयुर्वेदिक कॉलेज। ये जामनगर में रहने वाला एक ही पूरे देश का कॉलेज है जहाँ पे आयुर्वेद की चिकित्सा होती है। हाल ही में हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके इनॉग्रेशन किए थे और WHO के द्वारा ये मान्यता प्राप्त है। आप देख सकते हैं OPD के टाइमिंग्स, ये OPD ब्लॉक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा इसको इस यूनिवर्सिटी को मान्यता प्राप्त दी गई है, इस हॉस्पिटल को मान्यता दी गई है। लगभग 37 एकड़ ज़मीन पे ये जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाई गई है। अभी हम जो देख रहे हैं ये आयुर्वेदिक कॉलेज का पुराना पार्ट है, पुराना कैंपस है। इसके बाद हम इसके नए जो कैंपस है उसको हम घूमने जाएंगे। अभी जो बिल्डिंग देख रहे थे ये बिल्डिंग WHO के ऑफिस है। धीरे धीरे हमारा आयुर्वेद पूरे वर्ल्ड लेवल में प्रोमिनेंट हो रही है, मान्यता प्राप्त हो रही है। सारे कंट्रीज हमारे चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये WHO की एक ऑफिस है जो कि आयुर्वेद की जो हमारा रिसर्च हो रही है उसमें फंडिंग और इंटरेस्ट हमें प्रदान करे वर्ल्ड लेवल क्षेत्र में। काफ़ी शुद्ध वातावरण है पूरे हॉस्पिटल के चारों तरफ, ग्रीनरी, साफ सुथरा। यहाँ पे BA MS की कोर्स, PhD, MD इन सारे कोर्स की जाती हैं और काफ़ी संख्या में लड़के जो NEET के एग्ज़ाम पास करने के बाद इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। लगभग हर दिन 1,000 से भी ज़्यादा पेशेंट्स इस हॉस्पिटल पे आते हैं और अपने अपने चिकित्सा करवाते हैं। ये हॉस्पिटल 1966 में एस्टेब्लिश की गई थी गुजरात गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के तहत। अभी आप जो देख रहे हैं ये गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के नई कैंपस है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस यूनिवर्सिटी को, इस नए कैंपस को इनॉग्रेशन किए थे। यहाँ पे चारों तरफ साफ सुथरा और एक डेडिकेटेड प्लेसेस फॉर पार्किंग बनाई गई है। OPD की जगह अलग है, लोग आके OPD के समय में अपने अपने चिकित्सा करवा सकते हैं। ये हमारा नए बिल्डिंग का एक रिसर्च सेंटर है जहाँ पे हमारे नौसिखिया MBA MS और PhD MD करने वाले बच्चे यहाँ पे अपनी रिसर्च आयुर्वेद के ऊपर करते हैं। इसकी जस्ट सामने इस बिल्डिंग में कई संख्यक बेड विशिष्ट चिकित्सालय है जहाँ पे ECG एक्सरे की सुविधा भी है और ट्रीटमेंट की लागत के कम खर्च के साथ
अच्छी सुविधाएं भी मिलती हैं। यहाँ पे समय लिखी हुई है, ओपीडी के टाइमिंग्स और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे मिलती है ये भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है आयुर्वेद के जो इस बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।